देख रहे हैं नेशन भारत, मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आज पटना के IGIMS मेडिकल कॉलेज से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने COVID-19 टीके की शुरुआत कर दी। जी हां, COVID-19 टीके की फ्रंट लाइन जो लोग हैं, स्वास्थ्यकर्मी से लेकर एम्बुलेंस के ड्राइवर, पहले उनको टीकाकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आज करीब करीब 300 जगहों से इस टीके की शुरुआत की गई है और प्रत्येक सेंटर पर, प्रत्येक जगह से 100 लोगों को टीका दिया जाएगा और आने वाले 2-4 दिनों में ये जो स्पॉट हैं टीकाकरण के, इनको और भी बढ़ाया जाएगा और इतनी संख्या रखी जाएगी इसकी कि रोज एक सेंटर से करीब करीब 400 लोगों को टीके निश्चित तौर पर लगाए जा सके। मुख्यमंत्री के साथ सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी थे। क्या है ये पूरी खास रिपोर्ट और क्या कह रहे हैं सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपको सुनवाते हैं। आपके स्वास्थ्य में नहीं तो 104 नंबर हमारा, आप कॉल करेंगे और इसका दूसरे डोज का जो तिथि होगा और समय जब स्थान जो बताया जाएगा वहाँ पे आपने जो मोबाइल नंबर भाई अमित जी, हम आज से वैक्सीनेशन का शुरू हो गया सर, कितना बड़ा दिन है। और इस बारे में पूरे बिहार में, जैसे देश भर में तैयारी है, पूरे बिहार में तैयारी है। और आज इसकी यहाँ शुरुआत हुई है, हम लोग इस स्तर पर उपस्थित रहे हैं और इसके बारे में जो पूरे बिहार की पूरी तैयारी है वैक्सीनेशन का, उसके बारे में भी आपको माननीय मंत्री जी आपके साथ विस्तृत बातचीत करके एक एक बात की जानकारी दें। तो आपने देखा ये खास रिपोर्ट IGIMS से थी, मुख्यमंत्री ने शुरुआत कर दी इसकी और इसके पहले प्रधानमंत्री ने दिल्ली से टीकाकरण की शुरुआत की और कहा कि आज देश के लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है कि हम जो हैं आज सबसे बड़े गणतंत्र में COVID-19 के टीके की, स्वदेश में बने टीके की शुरुआत कर रहे हैं और जिससे कि सबको फायदा होगा, गरीबों को फायदा होगा। सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर को ये टीका दिया जाएगा, जो प्रधानमंत्री ने जैसा कहा, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि टीका लगने के बाद भी मास्क जरूरी है, अब दवाई भी और कड़ाई भी का नारा जो है प्रधानमंत्री ने दिया और कहा कि टीका लगने के बाद भी मास्क जरूरी है, वैसे ही हाथ धोना है। ये सिर्फ आप, ये टीका जो है आपकी इम्यूनिटी को सिर्फ बढ़ाएगा। देखा जाए टीका कितना फायदेमंद देश के लिए होता है, तमाम मीडिया खबरों की नजरें इस पर बनी रहेंगी। आप भी बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।